नमस्कार। नवंबर में होने जा रहे इन चुनावों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं। लगता है कि आजादी के बाद पहली बार ये चुनावी जंग लगभग पूरी तरह से जाति पर केंद्रित होगी। इंडिया गठबंधन ने जाति की राजनीति पर बड़ा दांव खेला है। इस जाति जनगणना के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कहा कि इस रिपोर्ट से गरीबों के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी और अब केंद्र सरकार को ये काम देश भर में करना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में कहा कि विकास विरोधी लोग आज भी जात पात के नाम पर देश को बांट रहे हैं। क्या भारत मंडल राजनीति के दूसरे राउंड के लिए तैयार हो रहा है और क्या यह हिंदुत्व की राजनीति को चुनौती देकर 2024 के चुनावी परिणामों को बदल सकता है? बिहार की जातिगत जनगणना के नतीजे यकीनन दिलचस्प है। नीतीश कुमार की सरकार ने उजागर किया कि इस राज्य की 85% आबादी ओबीसी, एससी या एसटी समुदाय की है, जबकि जिसे सामान्य वर्ग कहा जाता है वह 15% ही है। इसमें भी ब्राह्मण केवल 4% है। राज्य की 63% से अधिक आबादी या तो अन्य पिछड़ा वर्ग की है या अति पिछड़ा वर्ग की है। बिहार के बाद अब दूसरे राज्य भी ऐसी ही जनगणना जारी कर सकते हैं। इसके पीछे मंडल बनाम कमंडल की वही पुरानी राजनीति है। भाजपा हिंदू बहुसंख्या की राजनीतिक पहचान को बनाए रखना चाहती है तो विपक्ष चाहता है कि वह अनेक धड़ों में बटे रहे। विपक्ष ने दांव चल दिया है और हालत ये है कि यूपी में खुद भाजपा के गठबंधन सहयोगी अब जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद ओबीसी से है और इस दलील के आधार पर मोदी सरकार विपक्ष के नैरेटिव में छेद कर सकती है, लेकिन इस बात की गुंजाइश कम ही है कि वह इस तरह की जनगणना के विरोध में सीधे कोई पोजीशन लेगी। वास्तव में सीएसडीएस के द्वारा जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय चुनावों में भाजपा को ओबीसी मतदाताओं का अच्छा समर्थन मिला है। यह हमेशा से ऐसा नहीं था। 2009 में केवल 22% ओबीसी ने भाजपा को वोट दिया था, वहीं 42% ने क्षेत्रीय पार्टियों को समर्थन दिया था, लेकिन मोदी के युग में यह आंकड़े उलट गए। 2019 में 44% ओबीसी ने भाजपा को वोट दिया और क्षेत्रीय पार्टियों को केवल 27% वोट दिया। तो फिर भाजपा जातिगत जनगणना के विचार से झिझक क्यों रही है और विपक्ष को इसका फायदा क्यों उठाने दे रही है? इसका जवाब हाल ही में डाटा बताता है कि जहां मोदी के नेतृत्व में भाजपा को आम चुनावों में ओबीसी का अच्छा समर्थन मिल रहा है, वहीं विधानसभा चुनावों में स्थिति बदल जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा को यूपी में केवल 14% ओबीसी के वोट मिले थे, लेकिन इससे पहले 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा को 20% ओबीसी वोट मिले थे। भाजपा का मानना है कि चुनावी राजनीति के फिर से मंडलीकरण से क्षेत्रीय पार्टियों को फायदा मिलेगा, क्योंकि जब चुनाव एक साथ हो जाते हैं तो बेहतर संसाधनों वाली राष्ट्रीय पार्टियां स्थानीय विकल्पों पर हावी हो सकती है। जब राहुल गांधी जितनी आबादी उतना हक का नारा बुलंद करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये फिसलन भरी डगर है। हालांकि राहुल ने ये नारा समानता और सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में दिया है, लेकिन आबादी के आधार पर नीतियां बनाने का आग्रह कल को बहुसंख्यकवाद का तर्क भी सिद्ध हो जा सकता है। वैसे भी दलितों की स्थिति की तुलना पिछड़ों से करना उचित नहीं है, क्योंकि ओबीसी को मिलने वाले आर्थिक और शैक्षणिक अवसर दलितों की तुलना में कहीं ज्यादा राहत देते हैं। विपक्ष ने तलवार तो निकाल ली है, लेकिन ये दोधारी तलवार है, क्योंकि तब अल्पसंख्यकों का क्या होगा? मिसाल के तौर पर बिहार में क्या होगा जहां 18% मुस्लिम आबादी है, साथ ही तब सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सर्वोच्च अदालत द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा का क्या होगा? आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए आरक्षण को यथावत रखते हुए अदालत ने पहले ही जता दिया है कि 50% का आंकड़ा अटल और अपरिहार्य है, लेकिन अगर आरक्षण की नीति आगे भी बदली तो सामान्य वर्ग के गरीबों के साथ क्या किया जाएगा? ये सवाल अभी भी वैसा ही है जैसे मंडल 1.0 के समय में था। उस समय राजीव गांधी पीवी सिंह को चुनौती दे रहे थे। तब एक स्पीच में उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति की हट धर्मिकता से देश में जातिगत युद्ध की स्थिति नहीं बननी चाहिए, लेकिन आज बात उलट हो गई और उन्हीं के बेटे राष्ट्रीय जाति जनगणना के हिमायती बन रहे हैं। आपकी इसमें क्या राय है हमें जरूर बताएं। नमस्कार।